मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जितने भी कारण होते हैं, जो भी कुछ कमियां होती हैं या जो कुछ भी सदगुन होते हैं उन सबका कारण शायद अहिंसा ही होता है जैसे हम हम कुछ भी करें हम जितनी भी बातें करते हैं किसी के प्रति क्रोध करें किसी के प्रति लोभ करें मेरे मन में जो तृष्णा है सब कुछ लेने की जो चाहत है वो सब, का सब जो है वो हिंसा का ही एक अलग अलग रूप है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बचपन में घर में ऐसा सुनती थी कि नहीं दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए अपने विवेकानंद की युक्तियां सुनती थी कि अपने पड़ोसी के से प्यार नहीं करते हो तुम और तुम ये दावा करते हो कि तुम धार्मिक हो तो तुम मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं तो ये सब बातें सुनकर मन में एक बात आती थी, थी कि त्याग करना त्याग करना जो है वो बहुत अच्छी बात है तो मैं सोचती हूँ कि जो त्याग है वो अहिंसा का ही एक छोट का रूप है जब हम त्याग करने की शुरुआत करते हैं तो फिर उसमें एक आनंद आने लगता है मैं मैं जैसे गांव में काम करती हूँ और बच्चों के शिक्षा के पीछे के उस पर काम करती हूँ महिलाओं के साथ काम करती हूँ तो मैं खास करके गाँव में और जहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके पास काम करती हूँ तो आपको आपको मैं नहीं कहूंगी कि आपको आश्चर्य लगेगा क्योंकि आपने बहुत देखा सुना और बहुत जाना है लेकिन फिर भी बहुत लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जितनी हिंसा की बात हम सोचते हैं उस तरह की आम जनों के मन में नहीं है खास करके बच्चों के मन में गांव के लोगों के मन में स्त्रियों के मन में अभी भी एक दूसरे के दुख से आंखों में आंसू आ जाते हैं ये जो है बच्चे लोग हैं ये जो समाज है ये सब अच्छा है बस जरूरत है हम लोगों को निराश नहीं होने की और और, और अधिक और अधिक इससे काम करने की तो मुझे मैं जो काम करती हूँ और जहाँ जाती हूँ तो मुझे कभी निराशा नहीं होती बस मुझे लगता है कि हमें और करना चाहिए था हम नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों को और अधिक करना चाहिए ये मेरे मन में बार -बार बात आती है जो दौर था, दौर था कट्टरों का तो जो कट्टर हिंदू थे वो गांधी जी से कहते थे कि आप मुसलमानों की फिक्र करते हैं और जो कट्टर मुसलमान थे वो कहते थे कि आप हिंदुओं की फिक्र करते हैं और गांधी वो का, का तो, तो वो मानवता की सेवा कर रहे थे तो उनकी जो मानवता की सेवा को वो जिस तरह से वो अपनी जान को हथेली पे लिए नाली में घूम रहे थे उसको मैंने एक एक उस रूप में प्रस्तुत करने का ये किया है कि कैसे वो एक रोचक ढंग से जो लोगों को थोड़ा उस किताब को भी बहुत सराहना मिली और उसका चयन भी हुआ पुरस्कार के लिए भी गांधी जी के कारण मेरे मन में जो कंफ्यूजन था धर्म को लेकर धर्म क्या है और क्या यही धर्म है क्या मूर्ति पूजा ही धर्म है केवल वृंदावन में ये जो मंदिरों में पूजा होती है क्या यही धर्म है तो गांधी ने जैसे मेरे मन में जो बातें थी जो कंफ्यूजन था लगा डेस्टर लेके उसको उन्होंने जैसे साफ कर दिया हो और एक एक जो धर्म है एक तो धर्म का जो एक स्वरूप है जिसको गांधी सोचते थे वो मेरे मन मस्तिष्क पर जैसे लगा कि नहीं सच्चा धर्म तो ही है फिर मैं साधुओं से भी पूछती थी वृंदावन के संतों से भी पूछती थी कि भगवान का भजन का क्या मतलब है क्या मूर्ति की पूजा करना भगवान का भजन है भगवान से प्रेम करो तो का क्या मतलब है भगवान की मूर्तियों से प्रेम करो तो वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाते थे तो फिर गांधी कहते थे कि नहीं भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि तुम तो उनकी सृष्टि से प्यार करो जो उनकी सृष्टि से प्रेम करो जो जिनको जरूरत है उनसे प्रेम करो जिनको तुम सेवा कर सकती हो उनसे प्रेम करो तो आज जो रामचंद्र राजकुमार शुक्ल अमर हैं राजकुमार शुक्ल को उनके संघर्ष ने अमर किया है तो हम भी एक पिरामिड में न रखकर हमें कोई एक तरह का लेपन न लगाना पड़े हम अमर हो सकते हैं के खिलाफ आवाज उठाते हैं अगर हम सत्य के साथ खड़े होते हैं अगर हम एक बार भी अपने सत्य के साथ खड़े हो जाते हैं मेरे पड़ोस में किसी के साथ कुछ हो रहा है हमारे आसपास में कोई हो रहा है कोई स्त्रियों पे कुछ अत्याचार कर रहा है कहीं भी ऐसा लगे और हम खड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी वो राजकुमार शुक्ल और वो गांधी और वो विवेकानंद वो सब सब आ सकते हैं